विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती में हम रिवीजन लिख रहे थे। तो रिवीजन में आपने लास्ट वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए आपको हेडिंग देना है राइट आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर्स, जो है 1 से 50। तो आपको इसमें भी 3 बॉक्स बनाने हैं, आफ्टर नंबर्स, बिफोर नंबर्स और बिटवीन नंबर्स। सबसे पहले हम आफ्टर नंबर्स देखते हैं। ये क्या लिखा है? एकड़े तगड़े 13। तो 13 के बाद आएगा 14, एकड़े चौगड़े 14, 45, चौगड़े 5 45। उसके बाद का जो नंबर है वो कौन सा है? 46, चौगड़े 6 46। ये है 19, बगड़े ने मींडे 20, 28, बगड़े 8 28, बगड़े 9 29, 14, तो 14 के बाद 15, 9, तो एकड़े मींडे 10, 33, बे तगड़ा 33, तगड़े चौगड़े 34। तो आफ्टर नंबर्स तो हमने सीख लिए, अब हम रिवीजन करेंगे बिफोर नंबर्स। यहाँ पे दिया है 29, तो उसके पहले आएगा बगड़े 8 28 29, बगड़े ने मींडे 20, एकड़े 9 19 20, चौगड़े मींडे 40, तगड़े 9 39 40, 32। तो बिफोर नंबर कौन सा आएगा? 31, 35, तो बिफोर नंबर है 34, तगड़े चौगड़े 34, 35। यहाँ पे दिया है 42, तो उसके पहले आएगा 41, 42, और लास्ट में है 7, तो पहले आएगा 6। बिटवीन नंबर्स 35 36 37, 26 27 28, 31 32 33। नीचे दिया है 4 ब्लैंक 6, तो बिटवीन नंबर कौन सा आएगा? 5, 4 5 6, 22 ब्लैंक 24, 22 23 24, 42 ब्लैंक 44, आंसर लिखिए 43, 48 ब्लैंक 50, तो आंसर आएगा 49। तो आपको ये क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 4 के बाद आपको हेडिंग देना है क्वेश्चन नंबर 5। सी द पिक्चर एंड राइट करेक्ट लेटर्स। देखिए, ये पिक्चर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप कीजिए, वरना आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये पिक्चर देख के उसका करेक्ट लेटर लिखना है। देखिए, ये पिक्चर है तलवार, तो तलवार नो त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त। ये पिक्चर है धजा, तो धजा नो द, तो आपको इस तरह से यहाँ पे ध लिखना है। ये है काइट का पिक्चर यानी कि पतंग, तो आप आंसर में क्या लिखिए? प। ये है टोमेटो का पिक्चर, तो टमेटा नो ट। देखिए, ये 4 पिक्चर के हमने करेक्ट लेटर्स लिख दिए। अब नीचे के पिक्चर देखते हैं। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को गुजराती में कहते हैं अनानास, तो हम क्या लिखेंगे? अ। ये है एप्पल का पिक्चर जिसे गुजराती में कहते हैं सफरजन, तो हम क्या लिखेंगे? स। एक, ये है एक लिखा हुआ, अने एक मात्रा ए। ये है हैंड का पिक्चर, लेकिन इसमें एरो दिया है नेल के पास,
नेल को गुजराती में कहते हैं नख, न नख नो न। अब देखते हैं नीचे के दो लाइन में पिक्चर है उसे, ये है गणपति भगवान यानी कि गणेश, ग गणपति नो ग, तो हम क्या लिखेंगे ग। ये है हाउस का पिक्चर, ग घर नो ग। डक यानी कि बतख, डक को क्या कहते हैं बतख, ब बतख नो ब। क्रोकोडाइल यानी कि मगर, क्रोकोडाइल को गुजराती में कहते हैं मगर, तो यहाँ पे आपको मगर का पिक्चर दिया जाएगा, म आंसर में आएगा। ये है लोटस यानी कि कमल, क कमल नो क, ये पिक्चर है अम्ब्रेला का, तो उसे गुजराती में कहते हैं छतरी, छ छतरी नो छ। ये पिक्चर है ट्री का, लेकिन एरो दिया है नीचे की साइड यानी कि थ थर्ड नो थ। और लास्ट में दिया है टैप का पिक्चर यानी कि न नल नो न। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपनी नोटबुक में लिख लेना है और लर्न भी करते रहना है।